सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे हम स्टेटस कैसे रख सकते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेटस रखा जाता है और कुछ उसके एडवांस फीचर्स भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करके स्टेटस टैब में जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है कैमरा का और एक होता है पेंसिल आइकन, जिससे आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कैमरा सेक्शन का ही बताऊंगा। कैमरा सेक्शन में आप डायरेक्टली फोटो क्लिक करके भी रख सकते हैं एज अ स्टेटस, या फिर आप अगर स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके गैलरी की सभी इमेजेस आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर से भी आप इमेज को सिलेक्ट करके, वीडियो को सिलेक्ट करके स्टेटस पे रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है। तो इस तरीके से आप कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है पेंसिल का। तो यहाँ पर आप कुछ जो चाहे वो लिख सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या फिर कोई शायरी वगैरह, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ से आप देखिए सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिखती है, इस तरह से आप जो है फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इमोजीज का, आप चाहे तो यहाँ पर इमोजीज को लगा सकते हैं। इसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन बटन मिलता है, उससे आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और मैं आपको एक एडवांस चीज़ बताना चाहूँगा, वो कैसे यूज़ करते हैं और वो क्यों यूज़ करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पर सिंपल अकाउंट में जाके प्राइवेसी में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस का, तो आप किन लोगों को स्टेटस दिखाना चाहते हैं उनका यहाँ पर सेटिंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है माई कॉन्टैक्ट सिलेक्ट होता है, तो आप के सभी कॉन्टैक्ट्स को ये स्टेटस दिखेगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है वो ये क्या करता है कि आपके कॉन्टैक्ट के अलावा आप किन लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट में से किन्हीं लोगों को अगर भेजना चाहते हैं, किन्हीं लोगों को यानी कि कुछ लोगों को, 5-10 लोगों को, 1 लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को वो आपका स्टेटस दिखाई देगा। आपको सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो डन बटन है, सेव बटन है, आपको ये क्लिक करना होगा, तभी वो सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो जब भी आप नया कोई स्टेटस रखेंगे तो ये सेटिंग्स वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से गाइज इस स्टेटस का जो एडवांस फीचर है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है महेश टेक्निकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।